हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जगदीप सिंह, टीचर ऑफ गुरु हरगोबिंद पब्लिक हाई स्कूल फतेहगढ़। सो टुडे वी विल डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द ग्रामर पोर्शन, द सेंटेंस, दिस वीडियो फॉर द सेवेंथ क्लास। सो व्हाट इज सेंटेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस, पहला की होंगे कि ए बी सी दिज आर कॉल्ड एज लैटर्स। दैन लैटर्स तो मिलकर की बन जाएगा वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल एंड मादर, फादर, स्कूल, कॉलेज, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। दैन वर्ड्स न मिलकर की बन जाएगा सेंटेंस। सो वी विल डिस्कस द सेंटेंस टूडे। देखो सेंटेंस दे इहदे विच जो इन्होंने कहेगा, इहदे विच जो भी इन्होंने कहा कि अपना जो भी ट्रडिशन डेफिनेशनस ने सेंटेंस दिया, लाइक द सेंटेंस इज अ लार्जेस्ट यूनिट दैट इज नॉर्मली ट्रीटड एज द ट्रडिशनल ग्रामर। सो ये सारी चीज़ें मीनस इस सेंटेंस के विच की होंगे, एक सबजैक्ट होंगे, एक प्रेडिकेट होंगे, इस तरह दी चीज़ां, तो एक सेंटेंस है जो हमेशा कैपिटल लैटर नाल शुरू होंगे तो एंड कादे नाल होंगे, फुल स्टॉप नाल। ये सारी ट्रडिशनल जो होंगे ने डेफिनेशनस ने, पर कहते तुसीं ने नोट किया कि ये जिहड़ियां सारियां डेफिनेशनस ने यह काफ़ी धुंधलियां ने। वेग का मतलब होंगे कि जो सही तरीके नाल आपां किसी नूं ना दस सकीए। तो यह कह रहे हैं कि सेंटेंस, नॉट ऑल सेंटेंसिज हैव सबजैक्ट ते प्रैडिकेट, हरेक सेंटेंस के सबजैक्ट ते प्रैडिकेट नहीं होंदा। जिवें कि आप अगे पढ़ांगे जिहड़े इंपैरेटिव सेंटेंस होंदे ने उन्हां दे विच सबजैक्ट ते प्रैडिकेट की गल ही नहीं होंदी, क्योंकि उहदे विच की आपां हमेशा की करदे हां, जां सुजैशन दिंदे हां, सुजैशन दे देण दे नाल जां ऑर्डर दिंदे हां, कमांड करदे हां, मीनस उहनां दे विच सबजैक्ट ते प्रैडिकेट नहीं आउंदा। ये सारिया चीज़ा। तो दूसरी गल ये कर रहा है कि जो भी सेंटेंस वगैरह होंगे ने उन्होंने आप हमेशा की गल करते हैं कि कैपिटल लैटर तो शुरू होएगा जी, तो एंड किसते होएगा, फुल स्टॉप ते। पर कहते होंगे आप इसकी तो गल की करते ही नहीं कि वो क्वेश्चन मार्क भी आता है ज एक्सकलेमेशन मार्क भी आता है। सो ये सारिया चीज़ा की आप अच्छे सेंटेंस पढ़ा, तो सारिया चीज़ों मिला के की डेफिनेशन बनती है सेंटेंस जो एक्चुअल है। तुम्हें सिक्स तक यही पढ़ा कि कैपिटल लैटर तो शुरू होंगे जी, तो एंड किसते होंगे, फुल स्टॉप से, तो वर्ड्स में मिलकर की बनता एक सेंटेंस जिसका कि एक कंप्लीट सेंस बनता है। पर देयर फोर द सेंटेंस की डेफिनेशन की बनेगी, द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, बिगिन्स विद द कैपिटल लैटर, एंड्स विद द फुल स्टॉप, अ मार्क ऑफ इंटेरोगेशन एंड अ मार्क ऑफ एक्सकलेमेशन। सो कोई भी वर्ड्स ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिहड़ा कंप्लीट सेंस बनावे, जो कि आप अगे पढ़ांगे, फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ अ बॉय, हेयर इज़ अ वेरी बिग स्कूल, माई स्कूल नेम इज़ गुरु हरगोबिंद पब्लिक फतेहगढ़, मीनस सारे सेंटेंस तो अपन की मिलती है, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो सारे की ने एक सेंटेंस ने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब की है कि कोई भी सेंटेंस जो बोलिया जाए अपन गल पूरी तरह समझ लग जाए, अपन को ये डाउट ना हो। सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, विगन्स विद द कैपिटल लैटर हमेशा बड़े अक्षर तो शुरू होएगा, एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप ते खत्म होएगा, एंड अ मार्क ऑफ इंटेरोगेशन और अ मार्क ऑफ एक्सकलेमेशन ते खत्म होएगा। सो एक डेफिनेशन है कि दी सेंटेंस दी, सेंटेंस आप अगे पढ़ांगे, डिक्लेरेटिव और एजर्टिव सेंटेंसेज, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, इंपैरेटिव सेंटेंसेज, एक्सकलेमेटरी सेंटेंसेज दे विच, ये आप अगे डीप दे विच वन बाय वन पढ़ांगे। अज आप पढ़ना है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज, ये सारी वीडियो लैक्चर इस सेंटेंस से होएगा। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज की होंगे ने जिन्होंने आप एजर्टिव सेंटेंस भी कहने, मीनस आप कोई गल कर दिए वो पॉजिटिव भी हो, नैगेटिव भी हो। फॉर एग्जाम्पल आप कोई डिकलेयर कर दिए चीज़, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ वर्किंग इन द स्कूल, देखो ये एक डिकलेयर है, ये मैं एक गल करती, स्टेटमेंट करती कि वह स्कूल दे विच पढ़ता है, जां ही इज़ टीचिंग इन स्कूल, वह स्कूल दे विच पढ़ाउंदा है। सो डिक्लेरेटिव का मतलब की होंगे जिदे विच पॉजिटिव सेंटेंस आ जाए, तो नैगेटिव सेंटेंस आ जाए, जिदे विच जे मैं कह देवां कि ही इज़ नॉट वर्किंग इन द स्कूल, कि वह स्कूल दे विच नहीं कम कर रहा है। यह सारिया चीज़ा जिहड़ियां पॉजिटिव ते नैगेटिव दोवें जिहड़ियां आपां डिकलेयर कर दें, आप एक स्टेटमेंट दे दें, उन्हूं की बोलते हैं डिकलेरेटिव सेंटेंस। देखो डिकलेरेटिव सेंटेंस स्टेट्स फैक्ट्स, डिस्क्राइब थिंग्स एंड रिपोर्ट इवेंट्स, ये की करते हैं, मीनस की हैगा अपना गल्लां स्टेटमेंट दे रहे, जिवें हुणी दस्सिया सीगा, चीज़ां डिस्क्राइब कर देने, जिवें फॉर एग्जाम्पल दैट थिंग, द कलर ऑफ दैट थिंग इज़
ब्लू, द कलर ऑफ दैट थिंग इज़ ग्रीन। ये सारी चीज़ों फैक्ट दसते हैं, आप किसी चीज़ बारे रिपोर्ट करते हैं सारे की है किस चीज़ चाहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस के। जिमें देखो राम वर्कड वैरी हार्ड, एक ही एक स्टेटमेंट दे दी है, ही डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम। देखो नैगेटिव आ गया, नैगेटिव के पॉजिटिव दोवें किस चाहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस के। डेली इज सिचुएटड ऑन द बैंक्स ऑफ द यमुना, ये भी एक अपने रिपोर्ट देती कि डेली कितने कितने सिचुएट है बैंक्स ऑफ यमुना, यमुना जी हैगी किनारे ते जी डेली है वह स्थित है। सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस मे बी एफरमेटिव और नैगेटिव, इट एंड्स विद द फुल स्टॉप। एफरमेटिव का मतलब की होंगे, एफरमेटिव का मतलब तुम उलझे होना पॉजिटिव ही होंगे, जिद ना तो कोई क्वेश्चन मार्क आए, ना ही कोई नॉट आए, ना ही कोई एक्सलेमेटिव वर्ड आए, सिंपल आए। सिंपल आप जिमें नॉर्मल गल करते हैं, ना वो कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ना ही कोई ना की जाए, उस सारे वर्ड्स में की बोलते हैं आप एक एफरमेटिव सेंटेंस बोल दें ज पॉजिटिव सेंटेंस बोल दें। देखो एफरमेटिव और नैगेटिव मीनस एफरमेटिव के उल्ट कह गया हूँ फिर नैगेटिव। सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के दो ही सेंटेंस होंगे ने, एक पॉजिटिव तो एक नैगेटिव। पॉजिटिव में आप कह दें, पॉजिटिव में आप कह दें एफरमेटिव। सो डिक्लेरेटिव में कह दें आप एजर्टिव। फॉर एग्जाम्पल जिमें देखो इन्होंने एग्जाम्पल दी है, आई लाइक टू ड्राइव अ कार, मैनू कार चलाना पसंद है, मैनू कार चलाना पसंद है। देखो ये कीड़े आ गया डिस्क्राइब किया फैक्ट दिते ये तो ये की चीज़ आ गई डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो यह ये नैगेटिव नहीं आया तो करके हो गया एफरमेटिव या पॉजिटिव। आई डोंट लाइक टू ड्राइव अ कार, मैनू कार चलाना पसंद नहीं है, नो आ गया नैगेटिव आ गया, तो करके एक ही आ गया ये भी डिक्लेरेटिव। मीनस दो सेंटेंस पॉजिटिव तो नैगेटिव दोवें किस होंगे ने उन्होंने डिक्लेरेटिव दे। हुण कम की करना अपने, वट इज़ द होमवर्क? कुछ नहीं करना, फस्ट ऑफ ऑल एक पहली तो फस्ट एंड सैकेंड एक्सरसाइज तुम्हें ने करनी है कि अपनी फेयर नोटबुक्स के उपर, फेयर नोटबुक्स नहीं तुम्हें अपनी बुक्स के उपर ही कंप्लीट करनी है। सो ये करना की है, फस्ट एक्सरसाइज पहले आप देखा फस्ट एक्सरसाइज की करना है, पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रॉपर ऑर्डर सो एज टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनस आपने जो नीचे दिते पे ने डिसऑर्डर दिते हुए ने, उन्होंने मतलब ऑर्डर नहीं सही है। जिमें कि जिमें मैं टेंस के पढ़ाया सी, सबजैक्ट प्लस हैल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो आपां की करांगे, पहला सबजैक्ट आएगा जो सेंटेंस है इनू कंप्लीट करांगे जिहड़ी कंप्लीट सेंस बने। देखो तुसीं पहला देखोगे वाई फुटबॉल दैम वाज प्लेयड, कुछ नहीं पता लग रहा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। वाई फुटबॉल, फुटबॉल द्वारा दैम उन्हां बाज सी प्लेयड खेडिया, उन्हां फुटबॉल द्वारा उन्हां सी खेडिया, कुछ भी इनफॉर्मेशन आपां नूं कंप्लीट नहीं मिल रही। सो आपां इहनूं की करना सही इनफॉर्मेशन दे विच लैके आना, सही ऑर्डर दे विच लैके आना। सो की आऊगा, फुटबॉल वॉज प्लेयड बाय दैम, एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। सो अपने सारे सही करके लिखने ने। नैक्सट देखो, यू स्कूल डिड विजिट वैन, एक ही एक क्वेश्चन मार्क है आता, तो फिर भी यह डिक्लेरेटिव दे विच भी है। सो इन्हें सही करके किमें लिखांगे, एक सेंटेंस लिखना अपने प्रॉपर ऑर्डर दे विच, इन्हूं किमें लिखांगे? पहला क्या आएगा वैन, क्योंकि आप हमेशा पहले डब्ल्यू फैमिली लिखते हैं, वैन डिड यू विजिट द स्कूल। सो इस तरह यह सही आएगा। सो तुसीं ने सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, आई विल सेंड द फोटो ऑफ दिस एक्सरसाइज एज अ होमवर्क विद द आंसर, सो डोंट वरी। वट इज़ द नैक्सट? सो इन अपने की करना गा, इन्हों नैगेटिव सेंटेंस के चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल फस्ट देखो, द गार्डनर इज़ वॉटरिंग द प्लांट्स, जो गार्डनर है माली है वह पौद्यां नूं पानी दे रहा है, तो यह नैगेटिव की होनेगा, माली पौद्यां नूं पानी नहीं दे रहा है, तो की आ जूगा, द गार्डनर इज़ नॉट वॉटरिंग द प्लांट्स। नैक्सट देख लो, श्याम श्याम मैट मी जस्टरडे, श्याम मैनू कल मिलया, तो एक इतने मैट है, मैट की है सैकंड फॉर्म है। फस्ट ऑफ ऑल आप सेंटेंस देखांगे केड़ा है, टेंस केड़ा है ये देखांगे, टेंस केड़ा है, पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल दे विच की केड़ी हेल्पिंग वर्ब यूज होंदी है, डिड। सो द नैगेटिव की बन जाएगा, श्याम डिड नॉट मीट मी जस्टरडे। जिहड़ा पॉजिटिव सेंटेंस होंदा है पास्ट सिंपल का, उहदी की होंदी हैगी, उहदे विच हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होंदी, सबजैक्ट प्लस सैकंड दी वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जैक्ट, सबजैक्ट प्लस सैकंड वर्ब फॉर्म मेन वर्ब प्लस ऑब्जैक्ट दैन
फुल स्टॉप। सो जो आप नैगेटिव बनाना है तो सबजैक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। सो इस तरह आप बनावेंगे। तुम ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। सो होप यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट लैक्चर ऑफ द सेंटेंस द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज द रिमेनिंग पोर्शन लाइक द इंपेरेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस एज वेल एज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वी विल डिस्कस इन द रिमेनिंग वीडियोज ऑफ द लेसन ऑफ द सेंटेंस। सो थैंक यू वेरी मच। आई विल सेंड द होमवर्क एंड कंप्लीट द होमवर्क। थैंक यू वेरी मच।